हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र एक बार फिर आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल होम गार्डन पे। दोस्तों, तो एक नया वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों, लेकिन सबसे पहले आज की वीडियो का विचार। तो दोस्तों, वीडियो का विचार है कि दुनिया में लोग उगते सूरज को प्रणाम करते हैं, डूबते को कोई नहीं करता। यानी कि आप जब सफल होते हैं, पैसे वाले होते हैं या प्रसिद्ध होते हैं, तो आपके हजारों दोस्त होते हैं और थोड़े बुरे समय में सभी आपका साथ छोड़ जाते हैं। तो हमेशा उगता सूरज बनने की कोशिश करें। तो आज मैं आपके लिए एक और हर्ब प्लांट की जानकारी लेकर आया हूँ, और ये सामने आप जो बिल्कुल केली की तरह देख रहे हैं आप, ये प्लांट है इलायची का। जी हाँ, कार्डमोम। और मैं इसके आज आपको आयुर्वेदिक गुण बताऊंगा। ये प्लांट मैंने सितंबर में लगाया था दोस्तों, एक और प्लांट इसका निकल रहा है। तो आज हम इसके आयुर्वेदिक गुण देखेंगे। इसे लगाना मैं कुछ दिन बाद बताऊंगा, क्योंकि ये जो है वो जड़ों से रूट से लगाया जाता है दोस्तों। ये एक और जैसे प्लांट निकल रहा है, ऐसे और भी निकलते हैं, लेकिन हम इसे इसकी रूट से और भी लगा सकते हैं। वो मैं तरीका आपको फिर बताऊंगा। आज फ़िलहाल तो हम इसके आयुर्वेदिक गुण, आपने बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सब तरह की इलायची देखी होंगी, और मसालों में आमतौर पर इलायची का प्रयोग किया जाता है खुशबू के लिए, स्वाद के लिए। इलायची के दोस्तों प्लांट बताऊं तो दो तरह के पाए जाते हैं। ये कोलकाता की इलायची है, बड़ी वाली। भारत में केरला और तमिलनाडु में ये बहुत बड़े स्तर पर उगाई जाती है। तो चलिए, अभी जो सर्दियां चल रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इलायची के कुछ गुण बता दिए जाएं। ये प्लांट देख लीजिए पहले आप। तो दोस्तों, आपके सामने ये इलायची है, छोटी इलायची। कुछ जो इलायची का पौधा होता है दूसरा, जो आमतौर पर हमारे यहाँ जो छोटी इलायची होती है वो ऐसा होता है दोस्तों। और ये उष्ण कटिबंधीय पौधा है। यहाँ जहाँ पर बरसात बहुत होती है और मौसम गर्म रहता है, वहाँ इलायची बहुत आसानी से उगाई जा सकती है। तो मैं इसके आज कुछ आयुर्वेदिक गुणों की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले, इलायची गर्म होती है इसकी तासीर, और ये माथ फ्रेशनर के रूप में चबाई जाती है। बड़ी इलायची और छोटी इलायची। बड़ी इलायची का आमतौर पर प्रयोग हमारे यहाँ मसालों में किया जाता है, सब्जी पार्टियों में, जहाँ पार्टी होती है वहाँ सब्जियों में इसे अक्सर डाला जाता है। तो जैसे आपको जुखाम हुआ है और आपके गले में खराश हो गई है और दर्द भी हो रहा है खांसते खांसते, तो आप क्या कीजिए कि खाली पेट सुबह और सोते समय शाम को एक एक इलायची चबा लीजिए। और जब आप इलायची चबा लें तो उसके बाद हल्का गुनगुना सादा पानी पी लें, तो आपको जो है गले में खराश है उसमें लाभ मिल जाएगा। दूसरी, इसका जो आयुर्वेदिक लाभ है वो है किडनी को साफ रखना। जो हमारे गुर्दे हैं, गुर्दे हमारे ब्लड को साफ करते हैं, प्यूरीफायर करते हैं, और इलायची से हमारी किडनी भी साफ रहती है। आप अगर प्रतिदिन एक या दो इलायची चबा रहे हैं तो ये आपकी किडनी के लिए अच्छी चीज़ है, और आप इसे चबाना शुरू कर सकते हैं। तो ये तो किडनी की बात हो गई। इसके अलावा टेंशन, डिप्रेशन आज के समय में सभी लोगों को बहुत ज़्यादा है, तो आप इसकी चाय पिया करें। अगर आपको, आप एकांत में रहते हैं, अकेले हैं, विद फैमिली नहीं रह रहे हैं, तो आप इसे अपनी जेब में रखें, और जब भी आप चाय पिए, कॉफ़ी पिए, आप इसका पाउडर डाल सकते हैं या फिर ऐसे सीधे भी डाल सकते हैं। बहुत से लोग तम्बाकू खाते हैं, ये गलत बात है। गुटखा पान मसाला खाते हैं, तो आप उसकी जगह इसे अपने पास एक डिब्बी में रखिए, और जब भी आपका मन करे तम्बाकू खाने का, इसे चबा जाइए। ये बिल्कुल आपको लाभ देगा। बहुत से लोगों को हाइपर ब्लड प्रेशर है, बीपी है, बढ़ा हुआ रक्तचाप है, उनके लिए ये रामबाण इलाज है। आप अपनी जेब में इलायची रखना शुरू कर दीजिए दोस्तों।
छोटी इलायची। इलायची खाते समय एक और ध्यान रखें, आप इलायची हमेशा साफ अच्छी क्वालिटी की खाएं, वो उनमें कीड़े हुए लगे हुए ना हों और ज़्यादा पुरानी भी नहीं होनी चाहिए। हमारी किडनी हो गई, टेंशन हो गई और हमारा जो है ब्लड प्रेशर हो गया। अगर आपको गैस है, एसिडिटी है, जलन होती है आपके हृदय पर, सीने में, पेट में आपको गैस बनती है, अफारा जिसे बोलते हैं, जी पेट फूला फूला सा, तो आप इसका इलायची का प्रयोग सुबह शाम करना शुरू कर दिए। चाय की जगह आप इसे सीधे खा सकते हैं, इसके जो अंदर बीज निकलते हैं उन्हें भी आप चबाना शुरू कर सकते हैं। इलायची माथ फ्रेशनर के रूप में प्रयोग की जाती है दोस्तों। दावत के बाद आपको अक्सर सौंफ और इलायची चबाने को मिल ही जाती होगी। इसके अलावा अगर आपके मुंह से दुर्गंध आती है, बहुत से लोगों की श्वासों में दुर्गंध आती है, तो अगर आपके श्वासों में दुर्गंध आ रही है तो आप इसे खाना शुरू कर दीजिए। हर प्रोडक्ट, हर आयुर्वेदिक दवा के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, ऐसे इलायची के साथ है। बड़ी इलायची जो है वो मसालों के रूप में यूज की जाती है आमतौर पर, और जो छोटी इलायची है वो खाने में, चाय में या मिठाई के ऊपर स्प्रे के रूप में छिड़की जाती है, मिलाई भी जाती है। तो हम बात कर रहे हैं कि इसके कुछ नुकसान भी हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं इसे, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, कि एक दिन में 10 10 20 20 इलायची आप खा जा रहे हैं, तो आपको एलर्जी शुरू हो जाएगी, जी मिचलाना, उल्टियाँ, उबकाई या खुजली होना, स्किन पर धब्बे पड़ना, ये इसके प्रारंभिक लक्षण हैं। तो आप फिर इन्हें खाना कम कर दीजिए। कोई भी चीज़ हमेशा ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, उनकी एक सीमा होती है आयुर्वेदिक दवाओं की या एलोपैथिक या कोई भी दवा हो या कोई भी प्रोडक्ट हो। आप अगर चावल भी ज़्यादा खाएंगे तो जनरली वो भी आपको परेशान करने ही लगेंगे, तो ऐसे ही इलायची है। आप इलायची को उतना ही यूज करें जितना आपका शरीर एक्सेप्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर आपको पथरी की समस्या है, जो ग्लॉट ब्लेडर होती है, वो चाहे पित्त की हो या फिर साधारण पथरी हो, तो दोस्तों आप कतई इलायची यूज ना करें, क्योंकि इलायची पचने में थोड़ी कठोर होती है, हमारे शरीर के अंदर ये काफ़ी समय लेती है पचने में, और जो शोधकर्ता है उन्होंने ये शोध किया है और ये बात उन्होंने खोज की है कि ये पथरी बढ़ा सकती है। और इसके अलावा अगर आपको कभी कभी तनाव बढ़ जाता है, यानी कि तनाव की स्थिति है, तो कुल मिलाकर यह है कि एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित समय में नॉर्मल वे में आप इलायची खाना शुरू कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। और रही बात इसके प्लांट की, तो वो हम आपको लगाना जल्द ही बताएंगे। और इसके दो तरीके प्लांट होते हैं, एक छोटा होता है, एक बड़ा, जो कोलकाता और केरला में हमारे यहाँ काफ़ी उगाया जा रहा है, इसकी खेती भी हो रही है, कल्टीवेशन होता है इसका बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर, तो हम जल्दी ही उसकी वीडियो भी आपके लिए अपलोड करेंगे। तो इलायची की चाय पीजिए, इलायची के पेड़े खाइए और स्वस्थ रहिए, इसी शुभकामनाओं के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये इलायची आप देख सकते हैं, ये छोटी इलायचियाँ हैं और इन्हें आप अगर कभी भूनकर इलायची खाएं तो और ज़्यादा आराम देती है। जैसे छोटे बच्चों को अगर सर्दी लग गई हो तो भूनकर भी आप इलायची उन्हें चाय में दे सकते हैं।